Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about multiplying a monomial by a polynomial. Now today, we will start our next topic, that is multiplying a polynomial by a polynomial. So, in multiplying a polynomial by a polynomial, में सबसे पहले हम पढ़ेंगे binomial का multiplication binomial से, two terms का multiplication two terms से. सो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर वन इज मल्टीप्लाइंग फर्स्ट 3a प्लस 4b एंड 2a प्लस 3b. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. सो पहले हम लिखेंगे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में. फर्स्ट 3a प्लस 4b ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे 2a प्लस 3b. बीच में आप चाहें तो मल्टीप्लाई के साइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है. वहां पे ब्रैकेट शो कर रहा है कि हम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं. सो अब इसका प्रोडक्ट करते कैसे हैं? तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं. सो चलिए पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम ले लेते हैं ए, ठीक है. सो अब हमें ए का प्रोडक्ट 2a प्लस 3b से करना है. तो कैसे होता है, a का मल्टीप्लीकेशन 2a से भी होगा और a का मल्टीप्लीकेशन 3b से होगा. तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 2a और 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 3b. हम उल्टा भी कर सकते हैं. सबसे इजी ये होता है कि हम पहले 3a का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड एक्सप्रेशन से कर दें और 4b का मल्टीप्लीकेशन भी सेकेंड एक्सप्रेशन से कर दें, चाहे 3 × 4 करें या 4 × 3 करें, तो प्रोडक्ट तो वही आएगा. सो यहाँ लिखते हैं हम 3a मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3b प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3b. फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड एक्सप्रेशन से, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड एक्सप्रेशन से. सो चलिए अब हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3a मल्टीप्लाई बाई 2a, तो 3 × 2 = 6, a इंटू a स्क्वायर. 3a मल्टीप्लाई बाई प्लस 3b, तो 3 × 3 = 9 प्लस 9ab प्लस 4b इंटू 2a, तो 4 × 2 = 8 और b इंटू a तो ab. अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 3b, तो 4 × 3 = 12, b इंटू b स्क्वायर. अब देखिए इसमें लाइक टर्म है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो देखिए लाइक टर्म है 9ab प्लस 8ab, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे 6a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 12b स्क्वायर. अब हम सेकेंड वाला साइड में कर लेते हैं, x माइनस 4 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 2x प्लस 3, ठीक है. सो क्या होगा, x का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 से और माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3 से. सो यहां लिखेंगे हम x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3. मल्टीप्लाई के साइन यूज करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं उससे. सो इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, तो हो जाएगा प्लस 3x. माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2x, तो हो जाएगा माइनस 8x. माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12. सो देखिए 3x और माइनस 8x लाइक टर्म है, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, ठीक है. सो चलिए हम करते हैं थर्ड पार्ट. सो लिखेंगे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, x माइनस वाई 3x प्लस 5y. सो हो जाएगा x का मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 5y से और माइनस y का मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 5y से. सो x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5y माइनस y मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5y. सो हो जाएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई बाई 5y, तो हो जाएगा प्लस 5xy. माइनस y मल्टीप्लाई बाई 3x, तो माइनस 3xy.
माइनस प्लस माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई फाइव वाई, तो फाइव वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है, तो हाँ ये दोनों लाइक टर्म है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर। फोर्थ पार्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव ए माइनस थ्री बी। सो ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन फाइव ए माइनस थ्री बी से, और प्लस टू बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन फाइव ए माइनस थ्री बी से। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव ए माइनस थ्री बी प्लस टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव ए माइनस थ्री बी। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव ए, तो हो जाएगा फाइव ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन थ्री बी से, तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस टू बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन फाइव ए से, तो प्लस टेन ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी, तो बी क्यूब। सो देखिए यहां पे सब अनलाइक टर्म्स है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट, 1.2a माइनस 0.7b मल्टीप्लाई 1.5a प्लस 0.6b। ठीक है, सो हम करेंगे 1.2a का मल्टीप्लीकेशन 1.5a प्लस 0.6b से, और नेगेटिव 0.7b का भी हम उससे करेंगे। सो जाएगा 1.2a मल्टीप्लाई बाई 1.5a प्लस 0.6b माइनस 0.7b मल्टीप्लाई बाई 1.5a प्लस 0.6b। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हमें 1.2 का मल्टीप्लीकेशन करना है 1.5 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना हो जाएगा 180। और देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है, 1 डिजिट के बाद इसमें है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमें लगाना है, सो हो जाएगा 1.80 ए स्क्वायर। फिर 1.2 का मल्टीप्लीकेशन 0.6 से करना है, तो 12 सिक्स 72, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0.72, और प्लस ए बी। ठीक है, अब हम माइनस 0.7b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.5 से, तो 15 सेवन जो होता है 105, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, और माइनस ए बी, सो माइनस प्लस माइनस 0.7 का मल्टीप्लीकेशन 0.6 है, सो 7 सिक्स 42, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.42b स्क्वायर। अब देखिए कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, तो ये दोनों लाइक टर्म है, सो हम इसको सॉल्व कर देंगे, सो हो जाएगा 1.8a स्क्वायर 0.72 माइनस 1.05, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.33ab, और 1.05 ग्रेटर नंबर है तो माइनस लगेगा, माइनस 0.42b स्क्वायर। ये फाइनल आंसर इसका। सिक्स पार्ट देखिए, तो सिक्स पार्ट में देखिए हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, सेवन का मल्टीप्लीकेशन पहले हमें यहां करना है, उसके बाद प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो रिड्यूस तो होगा नहीं, तो आएगा 28/5 एक्स स्क्वायर। फिर सेवन का मल्टीप्लीकेशन हम 6y स्क्वायर से भी करेंगे, तो आएगा प्लस 42y स्क्वायर। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नेगेटिव 2/7y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 28/5 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2/7y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2/7y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखिए आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम आपको वैसे ही बता रहे हैं ताकि आपको रिड्यूस करने में आराम रहे। ठीक है, 28/5 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2/7 वाई स्क्वायर इससे होगा, फिर
प्लस 28 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर से भी होगा. सो प्लस 28 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है. प्लस 42 वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, नेगेटिव 2 अपॉन 7 वाई स्क्वायर से. फिर प्लस 42 वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव एक्स स्क्वायर से भी होगा, ठीक है. आप चाहे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां गलत होने के चांसेस होते हैं. सो चलिए हम रिड्यूस कर देते हैं. 7 1 7, 7 4 28. अब कुछ रिड्यूस होगा नहीं, तो आएगा नेगेटिव 8 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहां पे कुछ रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 28 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4. अब यहाँ पे 42 वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हमें माइनस 2 अपॉन 7 से करना है, तो 7 1 7, 7 6 42. तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12 वाई की पावर 4, प्लस माइनस माइनस 42 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो देखिए यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, तो देखिए ये और ये लाइक टर्म है. सो नेगेटिव 8 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 42 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो अनलाइक टर्म है लास्ट में लिख लेंगे हम. अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो 42 अपॉन 1 लिखेंगे वहां पे हम. सो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 5, सो ऊपर हो गया नेगेटिव 8, तो उधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, तो ऊपर भी करेंगे तो आएगा नेगेटिव 210 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 28 अपॉन 5 एक्स की पावर 4 माइनस 12 वाई रेस टू दी पावर 4 इक्वल टू, सॉल्व कर देंगे इसको तो आ जाएगा नेगेटिव 218 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव 28 अपॉन 5 एक्स की पावर 4 माइनस 12 वाई रेस टू दी पावर 4. कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है ये, कोई बात नहीं, आराम से करिएगा, हो जाएगा सॉल्व. एग्जाम्पल नंबर 2 इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट m इक्वल टू माइनस 2. बहुत इजी क्वेश्चन है, सो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. सो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो m स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4m माइनस 3. सो वही बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल से, तो m स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 4m माइनस 3 से, और माइनस 4 का भी मल्टीप्लीकेशन 4m माइनस 3 से. सो हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 4m, तो 4m क्यूब, m स्क्वायर माइनस 3 तो माइनस 3m स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4m तो 16m, माइनस माइनस प्लस 4 3 12. कोई लाइक टर्म है नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा. और सो चलिए अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एट m इक्वल टू नेगेटिव 2. सो पुट करेंगे m के प्लेस पे नेगेटिव 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 होल की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 होल की पावर स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 प्लस 12. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 हो गया 8, और नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है. नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4, और पावर इवन नंबर है, सो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. सो माइनस माइनस प्लस 16 2 32 प्लस 12. अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 8 4 32 और माइनस 32 माइनस 12 प्लस 32 प्लस 12. तो देखिए नेगेटिव 32 और प्लस 32 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव 12 और प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0. नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. सो हियर गिवन 3 क्वेश्चन, दिस इज योर टुडेज क्लास वर्क विच आर सेम एज एग्जाम्पल्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो. सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन चेक योर आंसर्स विच आर गिवन हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.